इतनी रौनक होगी आज भगवान के दरबार में, एक फरिश्ता पहुंचा है जमीन से आसमान में। देश रतन के लिए मौन रखना आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। आज सीतामढ़ी में सुबह से ही हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। शहर के सभी शिक्षण संस्थानों में आज अपने संस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को श्रद्धांजलि दी। शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में जाने वालों में से एक परफेक्ट क्लासेज जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि सभी छात्र छात्रा एवं शिक्षण संस्थान प्रमुख ओम प्रकाश जी बच्चों समेत देश के लाल को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उन्होंने उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री की उपलब्धियां बच्चों को बताई कि कैसे एक साधारण परिवार के बेटे ने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। उनके जीवन पे संक्षिप्त में बताया, उनकी पत्रकारिता, एक कवि, एक भारतीय, एक सर्वोच्च सांसद एवं पक्ष विपक्ष सहित पूरे भारतीयों देशवासियों के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान। उन्होंने बच्चों को उनके सिद्धांत अपने जीवन में लाने की बात कही। श्री ओम प्रकाश जी ने कहा कि हमें पूर्व प्रधानमंत्री के संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सफलता पानी चाहिए एवं उनकी तरह एक सच्चा व ईमानदार देशभक्त बनकर देश की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से उनकी कविताओं को भी बताया। उन्होंने कहा कि आज भारत ने ना सिर्फ अपना पूर्व प्रधानमंत्री या नेता या किसी पार्टी ने अपना पार्टी सदस्य ना खोकर देश को अपना एक ऐसा रत्न खोना पड़ा जिसकी कोई कामना नहीं कर सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने उस भारत रत्न जिन्होंने ना सिर्फ अपनी पार्टी या देश की बल्कि विदेशों में भी अपने लिए सम्मान पाया। क्या सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष या बच्चा, बूढ़ा या जवान, किसान सबकी सुनने वाला और सबके दिलों पर राज करने वाला उस महान व्यक्ति को खोया जिसका हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल 5:05 पर निधन हो गया, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। इसलिए और विशेष उनके बारे में क्या कहा जाए, आप लोग 1 मिनट मौन रख के उनको श्रद्धांजलि सभा में दीजिए।